Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आमिर खैर वाफिया से होंगे। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में आपके इस टॉपिक में हम एक बूटी के बारे में बात करेंगे, जो क्योंकि मैंने सबका भी वीडियो में कुछ नुस्खे याद भी बताए हैं, तो उसमें एक मैंने बूटी का नाम बताया, तो काफ़ी व्यूअर्स ने सवाल किया हकीम साहब ये कौन सी बूटी है, ये हमें पता नहीं है। इंडिया से भी किसी भाई ने रब्ता किया कि हकीम साहब ये किस नाम से है, और कोई नाम है तो हमें बता दें। तो व्यूअर्स, इसका नाम एक ही है, जल नीम बूटी है। आप अंसार के पास जाएंगे, हिंदी में भी इसको जल नीम कहते हैं, और ये मैंने किसी मुसफ़ी खून के जो नुस्खा जाता है उसमें इस्तेमाल इसका आपको बताया था। तो जल नीम बूटी मैंने व्यूअर्स पंसार से ली भी है, मैंने आपको पहचान भी करा देता हूँ, बाद में इसके खास वगैरह माहियत वगैरह भी बताया जाएगा। तो व्यूअर्स, पहचान के लिए ये है मेरे पास बूटी है जल नीम, इस तरह। व्यूअर्स, इसमें खुशबू होती है नीम के पत्तों जैसी, इसलिए इसको जल नीम बूटी का नाम दिया गया है। तो सोने से पता नहीं कौन सी, अब क्योंकि काफ़ी दिन हो गया पड़ी हुई है, पता नहीं, महक हल्की सी है, नीम के पत्तों जैसी है। तो व्यूअर्स, इसके मैं हिंदी में इसको जल नीम कहते हैं, मैंने लिखे हुए हैं इसके वो जल नीम, इसके वो रंग वगैरह सब कुछ, इसका क्या फ़ायदे हैं। हिंदी में इसको जल नीम, बंगाली में जल ब्राह्मी कहते हैं। छत्तेदार ये पौधा है, ये पौधा बलिष्ठ बर लंबा होता है, इसका पौधा बिल्कुल लोनिया साग यानी छोटी किस्म के खरफा के हम शक्ल होता है, इसका छोटा पंखरी वाला नील गोड़ सफ़ेद रंग का फूल लगता है, इसके पत्तों का जायका बिल्कुल नीम के पत्तों जैसा कड़वा होता है, और जल नीम के पत्तों में नीम के पत्तों जैसी खुशबू महक होती है, इसलिए इस बूटी का नाम जल नीम रखा गया है। बंगाल के वेद जल नीम को, इसी को ब्राह्मी बूटी कहते हैं, इसी को समझते हैं बंगाल के जो हैं वेद। रंग इसका फूल गुलाबी या सफ़ेद या स्याह जायका होता है, तलख और तेज़ होता है, मिजाज इसका गर्म और खुश्क, गर्म खुश्क दर्जा दो में आएगा, मकदार खुराक नौ माशा, मकामी पैदाइश छांगा मंगा के जंगलात और नदी नालों के किनारों पर कहीं कहीं मिलता है, मौसम गर्मा और बरसात में पैदा होता है, अफाइलो इस्तेमाल इसका है मुसफ़ी खून है, अमराज़ जल्द में नाफिया है, ख़ारिश खुश्क हो या तर हो इसका मुफीद है, मादा सुदावी बलगमी को बराह दस्त निकालती है, इसमें चांदी का कुश्ता हो जाता है, इसको काली मिर्च और नमक के साथ घूट कर पीते हैं। व्यूअर्स, ये गैरसिमी भी है, इसलिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको जल नीम का बताया, काफ़ी व्यूअर्स सवाल कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको एक मतलब फिर मैं आपको इसकी पहचान के बारे में बता देता हूँ। ये इस तरह की बूटी होती है, व्यूअर्स पंसार से खरीदी हुई है, ये इंडिया से भी किसी भाई ने रब्ता किया था, अकीम साहब जल नीम क्या है, तो इसलिए मैंने इस मौजू पे वीडियो बना दी। तो उम्मीद है आपको जल नीम इसके जो फ़ायदे हैं, इसका जो इस्तेमाल है, समझ आई होगी और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में लाजमी याद रखिए। जज़ाकअल्लाह खैर। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।